अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रिजीन फोर टीवी। मज़े मज़े के लतीफ़े सुनते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी करें। अम्मी का फ़ोन आया, जल्दी घर पहुंचो। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, अब्बू ने पहले जी भर कर मारा और फिर मारते मारते ड्राइंग रूम में ले गए। सामने एक आंटी और लड़की बैठी थी। लड़की ने उठकर कहा, मम्मा चलें, ये वो लड़का नहीं है जिसने मुझे छेड़ा था। बीवी, शादी से पहले मैं पेप्सी की बोतल की तरह स्मार्ट थी। शोहर जलकर बोला, तुम अब भी पेप्सी की बोतल की तरह ही हो। बीवी खुश होते हुए, वो कैसे? शोहर, पहले तुम रेगुलर बोतल की तरह थी और अब जंबो साइज। शेख दुकानदार से, टूथब्रश देना, मेरे ब्रश का एक बाल टूट गया है। दुकानदार, शेख साहब, एक बाल टूटा और नया ब्रश? शेख, जो बाल टूटा है ना, वो आखिरी था। शरारती बच्चा दुकानदार से, अंकल मुंह गोरा करने वाली क्रीम है? दुकानदार प्यार से, जी बेटा है। शरारती बच्चा, फिर आप लगाते क्यों नहीं? मैं जब भी आपको देखता हूँ तो डर जाता हूँ। अम्मी कमरे में दाखिल हुई, मैं सोया हुआ था। माँ पास आई, मेरे बाल पकड़े और मेरा मुंह अपनी तरफ करके जोर का थप्पड़ मारा और कहा, बेगैरता, व्हाट्सएप पर तुम्हारा लास्ट सीन एक मिनट पहले का है, माना लेक्टिंग। लड़की, तुम अपना आईफोन मुझे दे दो, मैं जब भी इसे देखूंगी तुम्हें याद किया करूंगी। लड़का, तुम ये सोच के मुझे याद कर लेना कि तुमने मांगा और मैंने नहीं दिया। एक लड़का और लड़की पार्क में मिलने गए। वहाँ लड़की को चोट लग गई और खून बहने लगा। वो लड़की को देखने लगा कि शायद वो अपना दुपट्टा फाड़कर जख्म पर बांधेगी। लड़की फौरन समझ गई और लड़के को देखते हुए बोली, सोची भी ना, 3200 का सूट है मेरा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।